गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग मैथ्स वर्क रेगुलरली. टुडे वी विल डू ब्रेन टीजर ऑफ यूनिट 13. फर्स्ट सम इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बैंक फॉर एवरी रुपीज 100 आफ्टर 1 year इज कॉल्ड इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट और प्रिंसिपल. एक्स्ट्रा मनी जो हमें बैंक पे करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर एवरी रुपीज 100. जब भी एवरी रुपीज की बात आती है तो इट विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो बैंक हमें एक्स्ट्रा मनी देगा उसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट है, मिस्टर गुप्ता बोरोड रुपीज 1,75,000 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ कार. मिस्टर गुप्ता ने क्या किया? कार परचेज करने के लिए बैंक से 1,75,000 रुपीज बोरो किए. दिस अमाउंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम? लोन. इसका मतलब मिस्टर गुप्ता ने क्या लिया? बैंक से लोन लिया. नेक्स्ट आपको सी पार्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट 4,1,000. सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताते हैं? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको? 1000 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% और टाइम दे रखा है आपको 9 months. टाइम हम किस में फाइंड आउट करते हैं? ईयर में. 1 year इज इक्वल टू 12 months, तो 9 को क्या करेंगे? 12 से डिवाइड. और प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. 100 से हम डिवाइड करते ही हैं. कैंसिलेशन, 20 से 20 कैंसिल. अब 3 की टेबल पर 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. ये कट हुआ, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. फिर से 2 1 इज 2, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75. 75 को 1 से डिवाइड किया तो भी 75. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन, 75 रुपीज. क्लियर हुआ? सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. सिंप्लीफिकेशन किया हमने इसको, हमारा आंसर कितना आया? 75. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट देखो डी पार्ट. If amount is 1,645 rupees and 50 paise, interest आपको given है 95 rupees, you have to find principal. And formula of principal is, principal equal to amount minus interest. Amount आपको कितना given है? Amount is 1,645 rupees and 50 paise. इंटरेस्ट गिवन है आपको, सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है? 95 रुपीज. कैंसिलेशन कट करो, 1,645 and 50 paise में से 95 रुपीज कट करोगे. जीरो में से जीरो कट किया, 5 में से 0 गया 5, डेसिमल 5 में से 5 गया 0, 4 में से 9 कट नहीं होता, बोरो लेंगे, 14 बन जाएगा यहाँ पर. और यहाँ कितना रह गया? 5. 14 में से 9 गया 5, दिस इज ऑल्सो 5 and 1. सो आवर आंसर इज 1,550 rupees and 50 paise. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? लास्ट ऑप्शन, 1,550 rupees and 50 paise. क्लियर हुआ? गिवन क्या था आपको? अमाउंट गिवन था, सिंपल इंटरेस्ट गिवन था. सो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग प्रिंसिपल इज अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. अमाउंट इज 1,645 rupees and 50 paise एंड प्रिंसिपल इज, इंटरेस्ट इज 95. कैंसिल किया तो हमारा प्रिंसिपल कितना आया? 1,550 rupees and 50 paise. नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ ई पार्ट. इफ लोन इज 1,75,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, टाइम आपको गिवन है 2 years, देन अमाउंट विल बी. अमाउंट का फॉर्मूला बताते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. बिफोर फाइंडिंग अमाउंट वी हैव टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया हमने. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाई 100. प्रिंसिपल गिवन है आपको 1,75,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, टाइम गिवन है 2 डिवाइडेड बाई 100.
कैंसिलेशन, 2 0 से 2 0 कट, 4 2 8, 1750 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, रफ साइड पे करके देखो, 80 इज 0, 85 जा 40, 87 जा 56 प्लस 4 60, 81 इज 8, 8 प्लस 6 14, सो आवर आंसर इज 14,000. वी हैव टू फाइंड अमाउंट एंड फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल इज 1,75,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज 14,000. नाउ एड 1,75,000 एंड 14,000. 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 1 8 एंड 1. और आंसर इज अमाउंट विल बी 1,89,000 रुपीज. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन. इज इट क्लियर टू यू? एक बार दोबारा से देखो क्या किया. आपको लोन गिवन है, लोन मीन्स प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इज गिवन टू यू. यू हैव टू फाइंड अमाउंट. बिफोर फाइंडिंग अमाउंट, अमाउंट फाइंड आउट करने से पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट. बिकॉज फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल आपको गिवन है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया. सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास? 14,000 रुपीज. तो अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. 1,75,000 में 14,000 प्लस करेंगे तो अमाउंट कितना आया? 1,89,000. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन. नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड सम. नेम द थ्री फैक्टर्स दैट डिटरमाइन सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताते हैं? प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम. तो थ्री फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट फैक्टर इज प्रिंसिपल. सेकेंड फैक्टर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड थर्ड फैक्टर इज टाइम. दीज थ्री फैक्टर्स दैट टेल अस अबाउट सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट बताने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यूज करते हैं हम? प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम. नाउ थर्ड सम देखो. फाइंड द अमाउंट इफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको? 625 रुपीज. एंड इंटरेस्ट इज कितना गिवन है आपको? इंटरेस्ट इज 55 रुपीज. यू हैव टू फाइंड अमाउंट. जो आपको गिवन है पहले वो राइट करो. प्रिंसिपल इज गिवन टू यू. प्रिंसिपल कितना गिवन है? 625 रुपीज. एंड इंटरेस्ट इज 55 रुपीज. यू हैव टू फाइंड अमाउंट एंड फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. वट इज फॉर्मूला टू फाइंड अमाउंट? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल इज 625 रुपीज एंड इंटरेस्ट इज 55 रुपीज. नाउ एड बोथ दीज फैक्टर्स. सो अमाउंट विल बी 625 प्लस 55, 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 5 7 एंड 1 कैरी 8. सो अमाउंट इज 680 रुपीज. पर दोबारा से देखो. अमाउंट फाइंड आउट करना है. प्रिंसिपल गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है. फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. 625 प्लस 55 इज 680. सो अमाउंट विल बी 680 रुपीज. विद द स्टेटमेंट ऑफ फोर्थ सम. कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1200 एट 3.5% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 6 months. यू हैव टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. फर्स्ट प्रिंसिपल इज गिवन टू यू. प्रिंसिपल इज 1200 रुपीज. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3.5%. दैट इज 3 2 6, 6 plus 1 7, 7/2% पर एनम. टाइम इज 6 month. सो वी विल कन्वर्ट मंथ्स इन टू
year. As you know that 1 year is equal to 12 months, so you will divide 6 by 12. So time will become in year. Now you have to find simple interest, and formula of simple interest is principal multiply rate of interest multiply time divided by 100. Principal is 1200, rate of interest is 7 by 2, time is 6 by 12, and we will divide this number by 100. Now cancel, 20 se cut, 21 is 2, 26 are 12, 61 is 6, 62 are 12, 21 is 2, 23 are 6, 73 is 21. 21 divided by 1 is also 21. So simple interest is equal to 21 rupees. Is it clear to you? Let's check it once again. You have to calculate simple interest, principal, rate of interest, and time is given to you. Time is given in months. First, we will convert it into years. So formula of simple interest is principal multiply rate of interest multiply time divided by 100. Put values and cancel the terms. So you will get the answer. Answer is 21 rupees. Statement of fifth sum. In fifth sum, Sohan deposit rupees 6000 in a bank at 7.5% per annum for 3 years. Mohan deposited rupees 6000 in another bank at 11% per annum for 2.5 years. Who will get more simple interest? So first, you have make a partition. Here you will write about Sohan and here you will write about Mohan. First, principal is given to you. Principal for Sohan is 6000 rupees. Rate of interest is 7.5%. Or you can write 7 to the 14, 14 plus 1, 15 by 2% per annum. Time is 3 years. For Mohan, principal is 6000. Mohan also deposits 6000 rupees. Time is 11%. And it's rate of interest. Rate of interest is 11%. You can write short form, but you have to write full rate of interest. Rate of interest is 11% per annum. And time is 2.5 years. 2.5 means 2 to the 4, 4 plus 1, 5. 5 by 2 years. You have to find simple interest. And formula of simple interest is principal multiply rate of interest multiply time divided by 100. Principal is 6000. Rate of interest is 15 by 2. Time is 3. And we will divide it by 100. 100, 20 cancel, 2, it will be cancelled at 30. So simple interest will be rupees 15 threes are 45, 45 threes are 135. And 0 is also given to you. So simple interest will be 1350 rupees. In this case, simple interest is, formula of simple interest is principal multiply rate of interest multiply time divided by 100. Principal is 6000, rate of interest is 11, time is 5 by 2. And we will divide it by 100. 20 is cancelled by these two zeros. 2 is cancelled at 30. So simple interest is 11 5s are 55, 55 3s are 165, and 0 is also given. So simple interest will be 1650 rupees. In both the cases,
simple interest is more for Mohan. So you will write Mohan will get more interest. Is it clear to you? Listen again. सोहन एंड मोहन दोनों के लिए आपको प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम गिवन है. तो सोहन के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, जो कैंसिल होता है वो हमने कट कर दिया. इन सबको मल्टीप्लाई किया. आप मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पर लाइन लगा करके करके देखना, इनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी आती है, 1350 रुपीज. ऐसे ही मोहन के लिए प्रिंसिपल गिवन है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है. फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाई 100. सोल्व किया तो इंटरेस्ट कितना आया, 1650 रुपीज. दिस इज 1650 रुपीज. सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर मोहन इज मोर. तो आपने क्या राइट किया, मोहन विल गेट मोर इंटरेस्ट. नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ सिक्स सम. A farmer borrowed 2,400 rupees at 12% interest per annum. At the end of 3 years, he repaid rupees 1,200 and a cow for the balance amount. Find the cost of the cow. क्या गिवन है आपको इस स्टेटमेंट के अंदर, फार्मर ने 2,400 रुपीज बोरो किए. इट मीन्स इट विल बी लोन. हम कुछ बोरो करते हैं तो वो लोन होगा. लोन इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2,400. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स. ईयर्स इट मीन्स टाइम. टाइम कितना गिवन है आपको, 3 ईयर्स. 3 ईयर्स के बाद फार्मर ने क्या किया, 1,200 रुपीज दे दिए प्लस अपनी काउ भी दे दी. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ काउ. तो आपको बताना है कि काउ की कॉस्ट कितनी होगी. तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, सिंपल इंटरेस्ट, फिर अमाउंट फाइंड आउट करोगे, जो आपको गिवन है वो राइट करो. प्रिंसिपल कितना गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है आपको 2,400 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है आपको, 12% पर एनम. नेक्स्ट टाइम कितना गिवन है, 3 ईयर्स. सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट. फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. प्रिंसिपल इज 2,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, टाइम इज 3 डिवाइडेड बाय 100. कैंसिलेशन, 0 से 0 कैंसिल. 24 मल्टीप्लाई 12 थ्री जा 36. अब आप रफ साइड पे 36 को 24 से मल्टीप्लाई करो. 4 6 24, 4 3 12, 12 + 2 14, 2 6 12, 2 3 6 + 1 7. So our answer is 864 rupees. This is simple interest. Now you will find amount, and formula of amount is principal plus simple interest. प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको, 2,400. इंटरेस्ट कितना फाइंड आउट किया, 864. अब इनको प्लस करो, 2,400 में 864 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 4 6 8 + 4 12 2 + 1 3 3,264 रुपीज़. ये क्या हुआ हमारा अमाउंट, मतलब 3 ईयर्स के बाद में फार्मर को 3,264 रुपीज़ देने पड़ेंगे. बट फार्मर ने क्या करा, 1,200 रुपीज दे दिए, बाकी जो अमाउंट बच गई वो अपनी काउ दे दी उसने. तो आपको काउ बताना कितने की काउ पड़ी उसको. फिर तो यहाँ पे क्या राइट करोगे, ही रिपेड, अमाउंट तो आ गया 3,264, कितना रीपे किया उसने, ये अमाउंट उसको रीपे करनी थी, 3,264 फार्मर को देने थे, बट उसने दिए सिर्फ 1,200 रुपीज, और साथ में क्या दे दी उसने, अपनी एक काउ दे दी. तो अब हम क्या बताएंगे इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ काउ. काउ की कॉस्ट कितनी होगी, अमाउंट जितनी है
उसमें से जितना उसने पे किया उसको कट कर दो। अमाउंट कितनी है? 3,264। और फार्मर ने पे कितना किया? 1,200। ठीक है, इसको कट करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ काउ कितनी आ जाएगी? कैंसिलेशन करो, 4 में से 0 कट करेंगे, 4, 6 में से 0 6, 2 में से 2 कट किया 0, 3 में से 1 गया 2। तो काउ की कॉस्ट कितनी आई? 2,064 रुपीज़। इसका मतलब उस फार्मर ने क्या किया, 1,200 रुपीज़ दे दिए और बाकी जो 2,064 रुपये बचे थे उसकी क्या दे दी? काउ दे दी। तो पूरा जो उसको 3,264 रुपीज़ थे वो दे दिए। दोबारा से देखो, प्रिंसिपल गिवन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम गिवन था। आपको फाइंड क्या करनी है? काउ की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। उसके लिए अमाउंट निकालनी पड़ेगी। अमाउंट का फॉर्मूला बताते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया हमने, वो आ गया हमारे पास 864। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 2400 प्लस 864 कितना हो जाएगा? 3,264। उसने क्या किया, पूरी अमाउंट ना दे करके सिर्फ 1,200 रुपीज़ दे दिए, बाकी जो पैसे बच गए उसके बदले में काउ दे दी। तो काउ कितने की पड़ी? अमाउंट माइनस पेड, 3,064 में से 1,200 को कट किया तो आंसर कितना आ गया? 2,064। इसका मतलब ये क्या होगी? काउ की कॉस्ट। लास्ट सम ऑफ ग्रेन टीजर इज, फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट। मिस्टर खन्ना हैड डिपॉजिटेड 2,500 इन अ बैंक, दैट मीन्स प्रिंसिपल गिवन है 2,500 एट 12% पर एनम, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। आफ्टर 3.5 ईयर्स, टाइम कितना गिवन है? 3.5, ही विड्रॉ द अमाउंट। उसने क्या किया मिस्टर खन्ना ने, मिस्टर कनन ने क्या किया, 3.5 ईयर्स के बाद में ये मनी विड्रॉ मीन्स बैंक में से निकलवा ली। आउट ऑफ दिस मनी ही वॉन्ट टू बाई अ ड्रेसिंग टेबल कॉस्टिंग 4,000। जितना उसको अमाउंट मिला उस अमाउंट में से उसने क्या करा, 4,000 रुपीज़ की ड्रेसिंग टेबल परचेज कर ली। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड, तो उसको और कितने रुपीज़ चाहिए? गिवन क्या है आपको ड्रेसिंग टेबल के लिए? लास्ट सम प्रिंसिपल इज कितने रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कराए? 2,500 रुपीज़। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? 12% पर एनम। टाइम गिवन है 3.5 ईयर्स, 7/2 ईयर्स। सो फर्स्ट यू विल फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाई 100। 2,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12, टाइम इज 7/2 डिवाइडेड बाई 100। कैंसिलेशन, 20 से 20 कैंसिल, 2 1 इज 2, 2 6 12, 7 6 42। 25 को 42 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट? जल्दी से करो मल्टीप्लाई 25 को 42 से, 2 5 10, 2 2 4 + 1 5, 4 5 20, 4 2 8 + 2 10, 0 5, दैट इज इंटरेस्ट इज 1,050 रुपीज। ठीक है, नाउ अमाउंट इज, फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल गिवन है आपको 2,500 एंड इंटरेस्ट कितना आया? 1,050। तो टोटल कितना हो जाएगा? इनको प्लस करो, 2,500 में 1,050 आप प्लस करोगे तो कितना आएगा? 0 + 5 = 5, 5 + 0 = 5, 2 + 1 = 3, 3,550 रुपीज़। दिस इज अमाउंट। नाउ ही वॉन्ट टू बाय अ ड्रेसिंग टेबल कॉस्टिंग 4,000। कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल की कॉस्ट कितनी है? 4,000 रुपीज। उसके पास अमाउंट कितनी है? 3,550 रुपीज। सपोज दैट आप मार्केट में कुछ परचेज करने के लिए जाते हो, आप सिर्फ 3,550 रुपीज लेके गए मार्केट में, बट आपने जो टेबल पसंद की वो है 4,000 रुपीज की। तो और कितनी मनी आपको चाहिए? मनी ही नीडेड
जितने की कॉस्ट है उसमें से क्या करोगे, जितनी अमाउंट आपके पास प्रेजेंट उसको कट कर दोगे। इसका मतलब 4000 में से 3550 कट किया तो कितना आया, जीरो में से कट किया जीरो, ये 10, 10 में से 5 गया 5, 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ रह गया 3, तो हमारा आंसर कितना आया 450। तो इसका मतलब ये टेबल परचेज करने के लिए उसको और कितने रुपए चाहिए, 450 रुपीज। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से देखो, प्रिंसिपल गिवन है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करके हमने वैल्यूज को फाइंड आउट किया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 1050 रुपीज। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, अमाउंट 3050 रुपीज। ड्रेसिंग टेबल की कॉस्ट है 4000, जो ये ड्रेसिंग टेबल परचेज करने गए वो 4000 रुपीज का था, बट उनके पास रुपीज कितने थे, 3050 रुपीज, 3550 रुपीज मनी ही नीडेड। और कितने मनी चाहिए, जितने की ड्रेसिंग टेबल है उसमें से आपके पास जो अमाउंट प्रेजेंट है उसको कट कर दो, तो 4000 में से 3550 को कट किया तो हमारा आंसर कितना आया, 450। फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो केक लेने के लिए, ठीक है, आपके पास है सिर्फ 200 रुपीज़, बट केक है 300 रुपीज़ का, तो आपको केक परचेज करने के लिए कितने और रुपीज़ चाहिए, 100 रुपीज़ और चाहिए। कैसे फाइंड आउट किया, जितना केक की कॉस्ट है 300 माइनस जितने आपके पास रुपीज़ है कितने हैं 200, तो 300 में से 200 को कट किया, 100 आंसर आया। इसी तरह से ड्रेसिंग टेबल की जो कॉस्ट है उसमें से जितनी अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट है उसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा मनी ही नीडेड। सो स्टूडेंट्स, योर ब्रेन टीजर इज कंप्लीट, सो डू ब्रेन टीजर ऑफ यूनिट 13 इन योर फेयर नोटबुक एंड सेंड योर वर्क इन मैथ्स ग्रुप। ओके।